क्वेश्चन नंबर फोर पर आएंगे हम लोग. ये जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है. इसमें बताया गया अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग द डायरेक्शन आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट टू विथ इट्स पोलराइजेशन अलोंग द डायरेक्शन के कैप. इसमें ध्यान देखना है कि पोलराइजेशन का डायरेक्शन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना. तो ये कहा जा सकता है कि इसमें जो है जो वेव है वो जा रहा है किधर, आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू इस डायरेक्शन में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है के कैप डायरेक्शन में. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है. तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका वाइब्रेशन इनके परपेंडिकुलर हो रहा होगा कहीं ऐसे. ठीक, अब आगे आते हैं. कहा गया द करेक्ट फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव वुड बी हियर बी नॉट इज एन अप्रोप्रिएट कॉन्स्टेंट. मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का जो है पीक वैल्यू वगैरह से कर सकते हैं. तो ये चार इक्वेशन दिए गए हैं मैग्नेटिक फील्ड वेव का, है ना. तो हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है. तो हमें पता है यहां पर कि ई क्रॉस बी ये क्या बताता है, ये बताता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी का डायरेक्शन, है ना. तो ये जो वेलोसिटी है ये तो दिया गया इधर आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो के कैप डायरेक्शन में है. ठीक, अब देख सकते हैं कि चूंकि यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए जो बी है वो इस सी के परपेंडिकुलर होना चाहिए. एक्चुअली में ई और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा सी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है. ठीक, इन दोनों के परपेंडिकुलर सी होने का मतलब कि बी जो है वो सी के परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो पहला तो ये हमने यहां पर देखा कि बी शुड बी परपेंडिकुलर टू आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू. ठीक, एक तो ये कंडीशन निकला. दूसरा ये कंडीशन है कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाइब्रेट करते हैं, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. ठीक, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो के परपेंडिकुलर होगा. के परपेंडिकुलर होने का मतलब कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल कहीं होना चाहिए. तो इसमें जो है आई कैप और जे कैप वाले टर्म ही आने चाहिए. ठीक, अब देखेंगे यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना. तो पहला चीज तो ये है कि इसमें देखेंगे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताया एक तरह से, है ना. तो इस ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये दोनों लेकर देखेंगे तो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा. ये किसका डायरेक्शन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है. तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो होना ही मैग्नेटिक फील्ड को, जैसे यहां बताया गया बी शुड बी परपेंडिकुलर टू आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट टू. ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, है ना. वेलोसिटी का ही डायरेक्शन यहां भी दिया जाता है ये. ठीक, तो इसका इसका डॉट प्रोडक्ट निकालकर देखेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि ये और ये परपेंडिकुलर है. यहां भी ये और ये डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, इनमें नहीं आएगा, सेकेंड में और थर्ड में जो है इसका इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा, इसका इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा. तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गए. ठीक, अब इन दोनों में सिलेक्ट करना है. तो इन दोनों में ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर तो है ही. अब ये कहा गया कि जो वेव है वो जा रहा इस डायरेक्शन में. ठीक, तो ऑब्वियसली जैसे हम लोग वेव का इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाता है तो यहां पर माइनस साइन आता है, अगर निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाता है तो यहां पर प्लस साइन आता है. ठीक, तो मैं ये मान सकता हूं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके आगे माइनस साइन होना चाहिए. प्लस आने का मतलब है कि इस डायरेक्शन के इसके उल्टा जा रहा होगा. ठीक, तो उल्टा जाने के लिए तो बोला नहीं, वे बोला है कि इसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी यहां पर माइनस साइन होना चाहिए. ठीक, तो पहला ऑप्शन जो है ये सबसे करेक्ट ऑप्शन है.